सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं पोकेमोन यूनाइट, और मैं पहली बार खेल रहा हूँ इस चारिज़ार्ड के सस्ते कॉपी से, यानी ड्रैगनाइट से। आप सब लोग जानते हो यार, बताने की ज़रूरत क्या है। और आज हम लोग जो बिल्ड यूज़ करने जा रहे हैं वो है मसल बैंड, फोकस बैंड और रेजर क्लॉ। क्या घटिया आवाज़ में बोल रहा हूँ ना, लेकिन चलो मैच में फोकस करते हैं। जल्दी से फार्मिंग लेते हैं क्योंकि भाई मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मैं तो ड्रैगन ब्रीज ले लिया भाई, अच्छा अटैक है। और ये ट्विस्टर भी अच्छा है, ठीक है, ट्विस्टर अच्छा है, लेकिन इसे थोड़ा दूर से मारना चाहिए तो और अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। हाँ अब मारते हैं ट्विस्टर, ओके अच्छा है, अच्छा अटैक है। और मुझे जल्दी से ड्रैगन नेयर बन रहा है, डटी नहीं तो बहुत घटिया है, ठीक है। मतलब सारे फर्स्ट एज पोकेमॉन घटिया ही तो होते हैं यार, गेम में भी एनीमे भी। नहीं 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 एनीमे भी नहीं है, पिकाचू को तो देख लो, नहीं वो तो सेकंड स्टेज है ना। हाँ पिकाचू नहीं, लेकिन एनीमे में तो कुछ भी होता है यार। और गाइस तुम लोग को पता है मैंने एक नई एनीमे देखना स्टार्ट किया है, उसका नाम है माई हीरो अकेडमी, बहुत अच्छी लगी। मैं मेरे दोस्त कहते थे अबे देख ले, क्योंकि मैं डेथ नोट देख रखे, मैं एनीमे का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन वो कभी नहीं देखी। बहुत मन भी करता था, उसकी बहुत मूवीज़ भी आई हैं, सोचा देखते हैं, तो आज देखी। और मैंने पहला सीज़न एक दिन में ही ख़त्म कर दिया भाई, 12 एपिसोड का सीज़न है, कौन नहीं ख़त्म कर पाएगा। और मिदोरिया है ना, इज़ुकु मिदोरिया, वो एक बंदा है जिसके पास पावर्स नहीं होती, मतलब उनके वर्ल्ड में ना मोस्ट ऑफ द पीपल के पास पावर होती है, 80% जनता के पास पावर होती है और 20% के पास नहीं। यहाँ तक कि इज़ुकु की मम्मी के पास भी थी लेकिन उसके पास नहीं आई, उसे इसलिए बहुत बुरा लगता है। और वो बुली भी होता है, लेकिन जो सबसे पावरफुल सुपर हीरो है उनके वर्ल्ड का, ऑल माइट, वो उससे मिलता है और देखता है यार ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, इसे पावर मिलनी चाहिए, तो अपना बाल उसे दे देता है, बाल खाने से पावर आ जाती है उसमें। हाँ और फिर वो जाता है यूए, एक ऐसा एग्ज़ाम होता है, मतलब एक जगह है जहाँ पर तुम्हें सुपर हीरो बनाया जाता है और टेस्ट होता है। और उसके आगे की स्टोरी चलती है यार यंग मिदोरिया की। हाँ बाद में उसे यंग मिदोरिया बोलने लगते हैं, उसका सरनेम मिदोरिया था और वो बच्चा था ना 10-12 साल का, नहीं उतना छोटा तो नहीं, 13-14 साल का, इसलिए उसे यंग मिदोरिया बोलते थे। और उसका एक राइवल था, राइवल तो नहीं कह सकते, बचपन में जो उसे बुली करता था ना उसका नेबर, उसे इतना रेज चढ़ता था ना, उस पर इतना मारता था, मतलब एक बार उन दोनों का बैटल हुआ वहाँ पे, उसने बहुत कूटा मिदोरिया को, मिदोरिया की हालत बहुत घटिया हो गई थी, लेकिन मिदोरिया जीत गया क्योंकि मिदोरिया ने प्लानिंग के साथ खेला, ठीक है, मिदोरिया ने ब्लॉक करके अपने टीममेट के लिए हेल्प की है, ठीक है, बहुत अच्छा शो है। मैं तो तुम लोग को रिकमेंड करूँगा, तुम लोग भी कह रहे हो अबे पोकेमोन का फ़ैन है कि माई हीरो अकेडमिया का फ़ैन है, भाई इतना अच्छा शो है ना तो मुंह से निकल जाती है थोड़ी तारीफ। चलो भाई जल्दी से हील होके आते हैं वरना मार देगा भाई, मैं तो लेवल 8 का हो गया, मैंने देखा भी नहीं, चल बे। और यहाँ पे कितने बंदे आ गए भाई, तुम स्कोर नहीं कर पाओगे एक्चुअली, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊँगा। नहीं 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 अपना टैलेंट फ्लेम आ गया, अच्छा दोस्त है, ओए एब्सोल डीसी है सच में यार, मारो साले को भाई, डीसी भाई डीसी मत हुआ करो, पक्का खाना वाना खाने गया होगा, मैं तो लिख के दे रहा यार, तेरे तो फेयर प्ले पॉइंट्स भी जाने चाहिए है ना। ओके चलो ऊपर रोटम ले लिया, बस अभी मैं अल्टी मारूंगा, और मैं लेट हो गया यार, इसके अल्टी का टाइम लगता है ना एनिमेशन में, कोई बात नहीं, अपन को रोटम को रोकना है वो मेन है, ठीक है। और टैलेंट से तू 40 स्कोर करेगा, धत्बे अगर इसने मार भी दिया ना रोटम ने तो सिर्फ 20 मार पाएगा, नहीं 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 मारेगा भाई, 21 का तो बचाइए यार ये गोल, नहीं मारने देना भाई। ओके चलो ड्रेडनो ले लिया, लेवल तो बढ़ा और शील्ड भी मिल गई, और रोटम भी रोक लिया तो कुछ फ़ायदा नहीं, और 50 कैंडी है मेरे पास, सीरियसली अभी मेरे टीममेट 7 लेवल के और मैं 12 लेवल का, सच में भाई मैं लेवल का भूखा हूँ। ये देखो ये 11 का है और अलोलर 97 की है भाई, चलो यहाँ पे 50 स्कोर करते हैं, कोई आना जाए, सरीना नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती अपनी तो भाई पूरी मौज, अब यहाँ से थोड़े बहुत फार्मिंग करके ले आएंगे 6 भाई और तोड़ देंगे ये गोल, ये तो लगभग मेरे बल पे, हाँ ठीक है आधा तोड़ दिया मैंने, आधे से भी ज़्यादा, हाँ 80 का होता है, बंदों ने 30 का तोड़ा था, ठीक है 24 का, ठीक है एकदम 24 का, और मैंने बाकी का तोड़ दूंगा मैं, भाई इतना प्रो प्लेयर हूँ ना मैं, सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्रो हूँ, खुद की तारीफ करता हूँ क्योंकि मैं मूवफट हूँ ना, मैं भाई हूँ ही ऐसा 13 लेवल का, और लेवल क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा खेल रहा हूँ ना, बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। ओके 31 सेकंड्स में आने वाला है फाइनल स्ट्रेच, और सबको पता है आर्टिकुनो कौन स्टील करेगा, मी ब्रेकर ऑफ द स्टीलर, ऑल्सो नोन एज
ड्रैगनाइट द स्टीलर। हाँ ड्रैगनाइट द स्टीलर, क्योंकि मैं ड्रैगनाइट के साथ ही स्टील करता हूँ भाई। मैं सच बता रहा हूँ, आगे का मतलब पोकेमॉन यूनाइट के फ्यूचर का स्टीलर सबसे अच्छा होगा ना अपना ड्रैगनाइट। अभी क्या है वो सिंडरिस्ट, अबे कुछ नहीं है सिंडरिस्ट, घटिया सा टट्टी सा पोकेमॉन, ये अपना प्रो पोकेमॉन। देखो सिंडरिस्ट ना अल्टी से कर सकता है, आई मीन वो भी चांस नहीं होते यार उसके कि हाँ एकदम लग जाएगा कि चुरा लेंगे। लेकिन ये बंदा अगर बंदा सही टाइमिंग पे कर दे तो जाए। एक सेकेंड उसने अल्टी मारी, मैंने इतना बुरी तरीके से मरने वाला था, मैंने हाइपर भी मार्को से मार दिया। सोचो यार बेचारे को कितना दुख हुआ होगा, 40 थी उसके पास ठीक है, और वहाँ पे आई थिंक 21 चाहिए थी ना, हाँ 21 चाहिए थी, तो भी कुछ नहीं हुआ। और अब मैं यहाँ पे लगा के बैठूंगा अपने अपनी अल्टी, और मार दी मैंने क्योंकि कोई नहीं था भाई, स्टील तो हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, अपना टैलेंट फ्लेम आ जा भाई, जा रहा है वो चोमू, लगता है कैंडी दूंगी। और ऊपर सिंड्रेस की तो पावी हो गई है, हाँ भाई इतनी कैंडी स्कोर कर रहे हैं तो पावी तो हो ही रही होगी। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइजेस, अरे यार थोड़ा न्यू ईयर का दिन है ना तो ऐसे होता रहता है भाई, थोड़ी बहुत लोग ऐसे पार्टी करते हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है। और गाइज हैप्पी न्यू ईयर, आई थिंक ये वीडियो न्यू ईयर के दिन नहीं आएगा, लेकिन वॉइस ओवर तो मैं न्यू ईयर के दिन दे रहा हूँ ना, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर। ओ भाई 50 का स्कोर कर दिया जो 100 का बन चुका है, और भाई आधे से ज़्यादा मैच का स्कोर यहीं पे निकल गया। चलो इन फार्मिंग को मारते हैं क्योंकि भाई वो तो जीत ही नहीं सकते ना, लेकिन आई थिंक ग्रेनिंजा को रोकना चाहिए। अरे यार मैच ही खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी ना, अब इस गेम में चीटिंग होगी तो मैं नहीं खेलेगा ठीक है। ओके एक सेकेंड, अपन जीत गए, मैंने नहीं सोचा था अपन इतनी बुरी तरीके से जीतेंगे, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है ठीक है। ओके अच्छा खेला। सो गाइस होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खत्म।